बेटा देखो जो है, अब आपको मैं न्यूक्लियस पढ़ाता हूँ। सेल साइकिल जो सेल बायोलॉजी है उसमें लोग न्यूक्लियस पढ़ते हैं। तो आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल है। ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियस है क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये है सेल बायोलॉजी का एक अगला टॉपिक जिसे आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है आपको। तो अगर आपको न्यूक्लियस दिखना है, सिंपल सी बात आप पहले लिखें कि अगर आप इसके डिस्कवरी सबसे पहले देख लें, डिस्कवरी, तो अगर आप इसके डिस्कवरी देखते हैं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो दिया किया था, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी का नाम भी लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज 1831 में की। ये देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस खोजा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ये अगर हम इसकी अकरेंस की बात देखें, ये देखिए अकरेंस, अकरेंस की बात की देखें कि पाई कहाँ जाती है, तो आप सबसे पहले बात देख लें कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलार्गनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेलार्गनेल तो नहीं कह सकते हैं इसे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके ऊपर दो न्यूक्लियर दो मेम्ब्रेन पड़ी है। आपको ये पहली बात याद रखनी है न्यूक्लियस के बारे में, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये है सेल और इस सेल के अंदर इस तरह से एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो आप कहते हैं सर ये यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। हम आपको इसका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में सिखाते हैं। सिंपल से देखिए, ये इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अगर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब दो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, तो आप कहेंगे सर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलार्गनेल है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपने सबसे पहले लिखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलार्गनेल है, डबल। दूसरी बात आप लिखे लार्जेस्ट साइज का है, लार्जेस्ट साइज है मतलब पूरे सेल में सबसे बड़ी साइज जो है वो न्यूक्लियस की होती है, न्यूक्लियस की होती है। एक बात आपने देखा, अकरेंस अगर देखा जाए, लिखना शुरू करें कि सबसे पहली बात तो सर ये जो है अब्सेंट है इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है, लिख दिया आपने कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बल्कि वहां जो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, जो वहां न्यूक्लियस बन रहा है। दूसरी बात आपने लिखा कि सर देखिए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में ये देखने को प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ेगा, इसे ये जो है सेल में होने वाली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये देखिए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पड़ा है, ये फिगर बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है। और इसे जो है अगर आप लिख सकते हैं तो इसे लिखेंगे इट कंट्रोल्स सेलुलर एक्टिविटीज जो भी होती हैं उनको पूरी तरह से न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, मतलब सेल के अंदर कोई भी कंट्रोल हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, सब कुछ ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सबसे बड़ी साइज का है, अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। एक बात और देखिए, अगर आपको न्यूक्लियस को देखना है तो इंटरफेज, मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो आपको ये न्यूक्लियस इंटरफेज में देखने को मिलेगा। सेल साइकिल में तीन फेज होते हैं, एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2। ये इंटरफेज के फर्दर तीन फेज होते हैं। इस समय आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। आपको ये भी याद रखनी है, न्यूक्लियस कैन बी सीन, बड़ी आसानी से आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। तो सेल साइकिल के किस फेज में न्यूक्लियस को देखा जा सकता है, सेल साइकिल के इंटरफेज में, मतलब G1 में, S में, G2 में आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ सकता है। ये इसकी बेसिक बातें हैं। आइए न्यूक्लियस के नंबर की बात करते हैं, किस सेल में इसकी संख्या कितनी है। ये नंबर अगर आप देखें तो, अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है, जनरली ये बात आप पहले नोट करें कि जनरली अ सेल कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस, जनरली ए सेल कंटेन्स हाउ मेनी न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। जनरली एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। जब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो इस सेल को हम लोग मोनोकैरियोटिक कहते हैं, मतलब मोनोकैरियोटिक कहते हैं, मतलब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है।
ज्यादातर सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे घर में एक माँ बाप होते हैं ऐसे ही एक सेल के पास एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ सेल्स हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे भी सेल्स हैं जो टू न्यूक्लिएट हैं, मतलब बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ये देखिए बाई न्यूक्लिएटेड हैं, बाई न्यूक्लिएटेड मतलब उन सेल्स के पास दो न्यूक्लियस है। ये देखिए बाई न्यूक्लिएटेड है, दो न्यूक्लियस है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसे भी सेल्स हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस होता है। अगर आप ऐसे देखिए पैरामीशियम में ऐसे आपको सीलिया दिखाई पड़ती है, बोलिए हाँ सर सीलिया दिखाई पड़ती है। इसमें आपको दो बड़ी साइज के, एक छोटी साइज का, एक बड़ी साइज का न्यूक्लियस पाया जाता है। जो बड़ी साइज का है उसे हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो बड़ी साइज का उसे हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो छोटी साइज का उसे हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब पैरामीशियम के अंदर आपको दो तरह के न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। ज्यादातर सेल्स के पास एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे मोनोकैरियोटिक कहते हैं, एक से ज्यादा दो न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ऐसी भी सेल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब ये हुआ कि उन सेल्स में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स माने उन सेल्स में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी सेल्स है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है आपको ये सीखना है। तो अगर आप इसमें देखें तो दो कंडीशन है, पहली है सिंसाइशियम कंडीशन है, सिंसाइशियम कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, सिंसाइशियम कंडीशन है, पहले आपको ये सीखना है। तो अगर आप सिंसाइशियम कंडीशन देख रहे हैं बेटा, तो सेल्स मैं लिख देता हूं, सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्यों ऐसा हो रही है मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स। मतलब इस बात को अगर आप ऐसे सीखें कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, अगर ये सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर जाए तो एक सेल बनेगी जिसके पास ढेर सारे चार न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। तो जब सेल फ्यूज होकर मल्टी न्यूक्लियस हो जाए तो इस तरह की कंडीशन को सिंसाइशियम कंडीशन कहते हैं। ध्यान रखिए सिंसाइशियम कंडीशन में अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ ह्यूमन। ये स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ ह्यूमन पहली बात आपने लिखा, और दूसरी बात आपने ये लिखा कि सर ये जो मसल्स हैं ये सिंसाइशियम कंडीशन है, और दूसरी लिखिए एपिडर्मिस ऑफ निमेटोड्स। मतलब निमेटोड्स की इपिडर्मिस, निमेटोड्स की आपको ये ध्यान रखना है, निमेटोड्स की इपिडर्मिस और हमारी स्टेटेड मसल्स सिंसाइशियम है। मतलब ये हुआ कि कई सेल्स फ्यूज होके एक मल्टी न्यूक्लियर सेल्स बनाती हैं। तो अगर आप न्यूक्लियस की बात देखें तो सिंगल न्यूक्लियस है पहली बात, दो न्यूक्लियस है, दो से ज्यादा न्यूक्लियस है, और भी कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो संख्या में अगर देखा जाए तो मैंने कहा बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। एक पहला तरीका है जिसमें जो है मतलब कि सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएट हो रही, कई सेल फ्यूज होकर सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो रही हैं। एग्जांपल मैंने बताया स्टेटेड मसल्स हैं, एपिडर्मिस जो है निमेटोड्स मतलब इसके एलिमेंट की एपिडर्मिस है। सिनोसिटिक कंडीशन देखें सेल्स, ये आप कॉन्सेप्ट देखें सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप कॉन्सेप्ट देखें कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, आप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब समझें कि एक सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो रही है जहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। अब आपको यह नया शब्द सीखना है, मल्टी न्यूक्लियर माने तो आप समझ गए, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या हुआ आप ये बात सही है। तो अगर मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, कॉन्सेप्ट है ये कि अगर इस सेल का डिवीजन हो तो पहले दो न्यूक्लियस बन जाए तो सेल का डिवीजन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस सेल में न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन हो रहा है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन हो रहा है, लेकिन इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। जब इस तरह का डिवीजन हो जिसमें बार बार मेरे बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो, ध्यान रखना है आपको न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो लेकिन सेल का डिवीजन ना हो, इस तरह के डिवीजन को हम लोग सिनोसिटिक कहते हैं। तो आप एग्जांपल्स देख लीजिए, अगर आप इसका एग्जांपल देखते हैं तो पूरा का पूरा ये फाइकोमाइसिटिस, ये पूरी पूरी जो है ये ग्रुप फाइकोमाइसिटिस, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। दूसरा ये आप प्लांट का नाम याद कर लें, ये है राइजोपस, ये देखिए राइजोपस है, ये देखिए ये है वुचीरिया, ये सारे प्लांट्स हैं।
और एक नाम और देख लीजिए, फाइकोमाइसिटिस है, राइजोफिस है, वोचेरिया है, ये देखिए इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म है, मतलब इंडोस्पर्म जो प्लांट्स में पाया जाता है, इन सारे केसेस में आपको ये कंडीशन दिखाई पड़ेगी। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार होगा लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होगा। जब न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो लेकिन सेल का डिवीजन न हो तो इस तरह के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो आप देखिए सेल में एक न्यूक्लियस जनरली होता है, सेल में दो न्यूक्लियस हो सकता है, सेल में दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, और ऐसी भी कंडीशन है जब न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ऐसे भी सेल्स हैं अब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा डीन्यूक्लिएटेड, किसी ने कहा डीन्यूक्लिएटेड, तो आपको डीन्यूक्लिएटेड माने समझना है या एन्यूक्लिएटेड, डीन्यूक्लिएटेड या एन्यूक्लिएटेड, इसका सबका मतलब एक ही चीज हुआ कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो हम क्या देंगे? डीन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है, एन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें, ये देखिए आपको खास करके यहाँ पर इस खूबसूरत विषय को देखना है जिसका नाम एनसीईआरटी है। तो अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें दो तरह की सेल्स है। पहले देखिये मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, ये पहली सेल है जिसके अंदर मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, मतलब जो मैमल्स की आरबीसी है, हम लोगों की आरबीसी है, उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ेगा, पहली बात आप ध्यान रखें। और दूसरा है ट्रेकीट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रेकीट्स, ट्रेकीट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनके ट्रेकीट्स जो है उनमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ेगा। ये तो दो एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ न्यूक्लियस क्यों नहीं है, तो आप बोलिए जब न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है तो इसके अंदर फायदा ये होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन पैक हो जाती है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस की संख्या क्या हो सकती है, तो न्यूक्लियस की संख्या क्या हो सकती है, न्यूक्लियस संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, और एक कंडीशन है जब न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, तो न्यूक्लियस दोनों हो सकता है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकता है, न्यूक्लियस जो है मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में, ट्रेकीट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म भी नहीं हो सकता है। न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस अगर आपको मैं बताऊं तो एक साइंटिस्ट है, आप इंपॉर्टेंस समझे न्यूक्लियस का, कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हैमरलिंग है, हैमरलिंग ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, आप देखें उनका एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको विश्वास नहीं होगा। हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा, इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो हैमरलिंग ने क्या किया, ये देखिए एक एल्गा है जिसका नाम एसिटा बुलेरिया है, एक एल्गी है जिसका नाम एसिटा बुलेरिया है, ये देखिए एक एल्गी है, अगर आपको पता होगा सबसे बड़ी साइज की एल्गी है। तो इन्होंने क्या किया, हैमरलिंग ने क्या किया, इस एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया एल्गी से, एल्गी के एस्टा बुलेरिया एल्गी के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब मतलब समझे, एस्टा बुलेरिया एल्गी के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और सेल डाइस आफ्टर सम टाइम। जैसे आपने बिना माँ बाप के किसी लायक नहीं, गड़बड़ हो जाती, दिक्कत होती है तमाम तरह की, इसी तरह से किसी सेल के अगर आप किसी भी सेल के न्यूक्लियस को खत्म कर दें तो ये सेल ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। ये प्रयोग कर रहे हैं हैमरलिंग, क्या कर रहे हैं फिर से देख लें, एस्टा बुलेरिया एल्गी है जिसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दे रहे हो, ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कुछ देर बाद मर जाता है। इसका मतलब किसी भी सेल के लिए न्यूक्लियस की प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। बेटे देखिए आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं, हमें किन किन चीजों पे फोकस करनी है, आइए देखते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे। तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले एक बार फिर से आप लिख दें कि सर देखिए हमें एक बात लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। पहले सबसे पहले आपको ये बात लिखनी ही पड़ेगी, कैसा है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आपने फट से लिख दिया। और किस फेज में दिखाई पड़ता है, आप बार बार लिखें, इंटरफेज जो है इसी फेज पे न्यूक्लियस को हम लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस को हम लोग देख सकते हैं, सेल साइकिल के न्यूक्लियस को देखना है अगर आपको, न्यूक्लियस को अगर आपको देखना है तो ये सबसे परफेक्ट टाइम है इंटरफेज अगर देखना है तो। आइए स्ट्रक्चर में देखा जाए, अगर आप किसी सेल को इसे बनाते हैं, ये देखिए आपने इसे सेल बनाया, बना दिया आपने सेल,
इस सेल का ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैटर का चौथा जो है फेज है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है लेकिन आपने प्लाज्मा नहीं पढ़ी है। मैटर की एक चौथी फेज भी होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब इसके अंदर हमको बनाना है न्यूक्लियस, तो अगर आप इसके अंदर न्यूक्लियस बनाने का सोच रहे हैं तो आप बनाना शुरू करें, थोड़ा सा बड़ा बनाएं ताकि आप न्यूक्लियस की ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा पाए। ये देखिए आपने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आपको इसे दो मेम्ब्रेन बनानी है। ये देखिए ये पहला हो गया। फिर आपने देखिए ये जो मेम्ब्रेन है कंटिन्यूअस नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है ये डिसकंटिन्यूअस है। फिर आपने इसका तीसरा बनाया बेटा, देखिए ये देखिए ये ऐसे आपने बना दिया। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो न्यूक्लियस को आपको ऐसे ही जमाना है, इस तरह से बन गया। अब आप इसका नाम लिखना शुरू करें। इसकी आउटर मेम्ब्रेन लिखिए, सर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है और इसके अंदर ये इनर है, ये दोनों क्या हैं? आप लिख लीजिए सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब चाहे आप इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहें चाहे आप इसे कैरियोथीका कहें, तो न्यूक्लियस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहला कंपोनेंट लिखिए कि हमको अगर न्यूक्लियस पढ़नी है तो हमको सबसे पढ़ना पड़ेगा कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़नी पड़ेगी। डिटेल पढ़ेंगे अभी हम लोग, या इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पहला नाम, दूसरा एक नाम और हो सकता है, इसे हम लोग कैरियोथीका कहते हैं। कैरियो माने न्यूक्लियस, थीका माने न्यूक्लियस। ये पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियस का जिसकी स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आपको और क्लियर करना है तो यही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी ऐसे आगे चल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर कर लीजिए। इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रफ है, मतलब उस पर राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। कौन से राइबोसोम्स पड़े हैं अगर आपसे कोई पूछे, 70S है 80S है, तो आप लिख दीजिए सर ये 80S राइबोसोम्स है, मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर 80S राइबोसोम की यूनिट पड़ी है। और क्लियर करना है क्लियर कर लीजिए, इस 80S में दो यूनिट होती है 60S और 40S। सही बात है कि इस पे 60S अभी जो है अटैच है, 40S आवारा की तरह टहल रही है। पहली बात हो गई, क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात क्लियर करिए, न्यूक्लियस का दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कहते हैं ये न्यूक्लियस का दूसरा कंपोनेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट है इसलिए इसके बीच बीच में एक पोर है जिस पोर का नाम न्यूक्लियर पोर है। लिख दीजिए सर इसका नाम न्यूक्लियर पोर है, ये दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। दो कंपोनेंट हो गए, बोलिए हाँ सर। तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियस का ये है कि आप इसके अंदर ऐसे खास तरह का स्ट्रक्चर बना दें और इसे लिखिए सर ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। ये देखिए आप यहां लिख दीजिए कि सर ये देखिए न्यूक्लियोलस है। अगर आपने ये न्यूक्लियोलस अगर आपने लिखा तो न्यूक्लियोलस जो है सिंगुलर है, मतलब अगर एक है तो न्यूक्लियोलस कहेंगे और एक से ज्यादा है तो उसे न्यूक्लियोलाई कहेंगे। चौथा देखिए, इसका जो चौथा कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, इसके अंदर एक खास तरह का फ्लूइड भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम लोग आप यहाँ पर लिख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या इसे कैरियोप्लाज्म कहते हैं, या इसे न्यूक्लियोलिम्फ कहते हैं, जो कि आपको पसंद है लिख दें। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, लिख दिया आपने भी, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं या इसे कैरियोलिम्फ कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या इसे हम लोग कैरियोलिम्फ कहते हैं। ये आपने तीसरी बात लिख दी। अब आप ध्यान से देखिए, मैं न्यूक्लियस लगातार बना रहा हूं, आपको देखते जाना है बस। इसके अंदर ये जीवन का धागा है, ये देखिए इस जीवन के धागे को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ये देखिए ये पूरे कंपोनेंट्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आप ये भी बात यहां पर लिख दीजिए कि क्रोमैटिन पाया जाता है। और इस क्रोमैटिन के फर्दर दो टाइप हैं, वो क्रोमैटिन जो किनारे किनारे उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं,
जो बीच बीच में उसे यूक्रोमेटिन कहते थे। अब आप इसके न्यूक्लियस में क्या क्या देखना है, पहले आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़नी है, फिर आपको न्यूक्लियर कोर पढ़ना है, फिर आपको न्यूक्लियोलस पढ़ना है, फिर आपको न्यूक्लियोप्लास्ट पढ़ना है, फिर आपको क्रोमेटिन पढ़ना है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ फट से लिखिए कि सर ये है हमारे पहला कॉम्बिनेशन जिसे हमें पढ़ना है, जिसे हमें सीखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने फटाफट लिखा कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पहले कई बार लिख चुका है, आप कई बार लिखे हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। पहला आपने लिखा कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लिखा आपने। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पहली बात आप ये लिखिए कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब रेगुलर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, आपने ये लिखा। देखिए बीच बीच में जो गैप हो गया तभी तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है और जो दोनों मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। पैरेलल मतलब ये हुआ कि अगर आप ये बात सीखना चाहें कि ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डिसकंटिन्यूअस है। अब आपको दोनों मेम्ब्रेन को क्लियर करना है। सबसे पहले आप यहां लिखें कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर किया जाए कि सर देखिए ये पहले आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या हालत है। अगर आप यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीखना चाहें, इस जगह पर यहां पर सीखना चाहें, तो आप ये देखिए अगर आपने ये दो मेम्ब्रेन ऐसे बना दिया और आपने लिखा कि सर ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए यही पर मैंने 60 में लिख दिया, आप समझने का प्रयास करें, हमने इसका एक सेक्शन वहां पर ले लिया है। तो अगर आप ये देखिए कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये रफ है, रफ है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये देखिए अगर आपको और क्लियर करना है तो आप एक काम करें, इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे ऐसे आप 80s राइबोसोम्स का एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, ये यहां लिखिए 80s। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, रफ है। और अगर आप देखें तो इसी से ये इसका फंक्शन क्या है, आप देखें तो इट फॉर्म्स क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स किस तरफ, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। मतलब आप ये बात यहां सीख सकते हैं, यहां पर फिगर आप बना देख सकते हैं, आप ऐसे एक फिगर और देख लें अगर आपको चाहे तो यहीं पर बना लें कि इस तरह से ये बाहर की तरफ ऐसे मोल्ड करना शुरू कर देती है और इसके कारण यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये आपने लिखा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रफ है, उस पर 80s राइबोसोम्स लगे हैं और वो साइटोप्लाज्म की तरफ यहां पर देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर रही है। अब आप इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, ये आपने आउटर देखा है। अगर आप इसके इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, इसका क्लियरेंस करें कि देखिए भाई साहब कि ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर आपको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है तो सबसे पहली बात लिखिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, ध्यान से देखिए मेम्ब्रेन स्मूथ है। और इसी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक और पतली सी मेम्ब्रेन ऐसे अटैच होती है, ऐसे इसमें हल्की सी ऐसे मेम्ब्रेन अटैच होती है, इसे हम लोग न्यूक्लियर लेमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लेमाइना। आप ऐसे लिख लें, ये यहां पर लिख लें कि यहां पर अटैच, ऐसे लिख लें कि इसमें न्यूक्लियर लेमाइना पाई जाती है, न्यूक्लियर लेमाइना इसकी इनर लाइनिंग्स है, इनर एक सरफेस टाइप के स्ट्रक्चर है, इनर सरफेस है, इसके इनर सरफेस को हम लोग इनर न्यूक्लियर लेमाइना कह देते हैं। चाहे आप यहां देख लें चाहे वहां देख लें, इसी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये खास तरह का क्रोमेटिन है जिसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो आप एकदम कंफर्म कर दें कि हेट्रोक्रोमेटिन इज अटैच्ड विद
हेटरोक्रोमेटिन इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर लेमाइना. हेटरोक्रोमेटिन इज अटैच्ड विद कौन सी लेमाइना? न्यूक्लियर लेमाइना. तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिलार्गनेल है, आउटर रफ है, इनर स्मूथ है, और ये जो बाहर बाहर का क्रोमेटिन है जो इससे उलझा हुआ है, इस क्रोमेटिन को हम लोग हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं जो न्यूक्लियर लेमाइना से जुड़ा हुआ है. और जो इसके सेंटर में क्रोमेटिन है, ये जो सेंटर में क्रोमेटिन है इसे हम लोग जो है यूक्रोमेटिन कहते हैं. तो मैंने आपको सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. अगर मैं आपसे पूछूं इसका फंक्शन क्या है तो क्या कहेंगे? इट गिव्स शेप टू द न्यूक्लियस. सिंपल सा, इट गिव्स शेप टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को ये शेप देता है. कितनी सिंपल सी बात है, शेप टू द न्यूक्लियस. सिंपल सी आप देखते हैं, एक लाइन में सारी बात कह डाली कि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कारण न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक शेप उसको प्रॉपर मिलता है. ये बात आपको सीखनी है.